नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश और खास करके यूपी की सियासत में इन दिनों जबरदस्त सरगर्मी चल रही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ये चुनाव बीजेपी और संघ दोनों के लिए बहुत अहम है। इसीलिए यूपी में पार्टी संगठन में बदलाव की चर्चा तेज है। बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष इसी महीने में दूसरी बार यूपी जाने वाले हैं। उधर आरएसएस भी यूपी के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। गाजियाबाद पिटाई मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ने चुका है, क्योंकि अब ये भी आरोप लगे हैं कि बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई के आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी विधायक से है। यूपी की सियासत से जुड़ी इन खबरों को बारीकी से समझेंगे, इसके साथ ही पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अयोध्या लैंड डील से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये खबर हैरान करने वाली है। पिछले कुछ दिनों से लैंड डील मामले में लगातार हरीश पाठक उर्फ बबलू पाठक का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रस्ट को जमीन बेचने वाला हरीश पाठक कानून की नजर में गुनहगार है और कई वर्षों से फरार है। 18 मार्च 2021 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के बाग विजेशी में एक जमीन खरीदी। ये जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने 8 करोड़ में हरीश पाठक उर्फ बाबा हरिदास उर्फ बबलू पाठक से खरीदी है, लेकिन हरीश पाठक पिछले कई सालों से फरार है। हरीश पाठक के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर रखी है, उस पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। यहां तक कि पुलिस इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी कर चुकी है, इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में 18 मार्च को हरीश पाठक ने जमीन की रजिस्ट्री कैसे की, पुलिस ने कोर्ट को बता रखा है कि अपराधी मिल नहीं रहा है, लेकिन इसी फरार हरीश पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और जमीन का सौदा किया। यही नहीं, इस फरार अपराधी ने रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचकर 18 मार्च 2021 को अधिकारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सामने बैनामा किया। इतना ही नहीं, इसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को भी बैनामा किया। 2 करोड़ में बेची गई इस जमीन को बाद में ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ से खरीदा, यानी हरीश पाठक काफी देर तक वहां पर मौजूद रहा, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो ये 2 दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक करके अयोध्या मामले में खुलासे हो रहे हैं और सवाल ट्रस्ट पर खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हरीश पाठक नाम का ये किरदार है जो कि जुड़ा है, और हरीश पाठक के इर्द गिर्द तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लैंड डील मामले में लगातार हरीश पाठक उर्फ बबलू पाठक का नाम सामने आ रहा है। ट्रस्ट को जमीन बेचने वाला हरीश पाठक है, कानून की नजर में एक गुनहगार है, कई सालों से फरार है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से अबुल बशर जुड़ गए हैं। अबुल, ये जो नया किरदार हरीश पाठक जुड़ा है, इसके बारे में और क्या जानकारी है, क्योंकि पहले से ही कानून की नजरों में गुनहगार है और ऊपर से इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। अब ये इल्जाम बड़े परिदृश्य में अगर देखें तो हरीश पाठक किरदार के जुड़ने से अब क्या तब्दीली आई है और किस दिशा में ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है? देखिए शुभ्रा, चूंकि ये हरीश पाठक इस जमीन की खरीद फरोख्त का मेन शख्स है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले ट्रस्ट को जमीन बेची है, उसके बाद इसी ने सबसे पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बैनामा किया, यानी इसने 2 बैनामे एक ही दिन में किए, एक ट्रस्ट को और एक रवि मोहन तिवारी को। तो ऐसे में इस शख्स के इससे पहले कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। कहा जा रहा है सीधे सीधे ये है कि 420, 467, 468 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और पुलिस इसे लगातार ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। कोर्ट में जब पेशी होती है तारीख पे, पुलिस इस बात को कहती है कि ये शख्स मिल नहीं रहा है। इसके ऊपर NBW जारी है, घर पर कुर्की का आदेश हो चुका है, घर की कुर्की हो चुकी है, और इस ना सिर्फ अयोध्या बल्कि बाराबंकी आसपास के जनपदों में इसके खिलाफ धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज है। लेकिन यही शख्स
जब रजिस्ट्री होती है, ट्रस्ट का बैनामा होता है, तो यही शख्स उन लोगों से सौदेबाजी करता है, कीमत तय करता है, उसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचता है और बैनामा करता है। सवाल यही उठता है कि जब ये शख्स रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचता है तो आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? जब ये शख्स लगातार इतने सालों से फरार चल रहा है, पुलिस को इसकी तलाश है और ये शख्स नहीं मिल रहा है, तो आखिर कैसे ट्रस्ट के लोगों ने इसको ढूंढ लिया और उसके बाद इसके साथ सौदेबाजी की? आखिर कैसे ये शख्स लगातार आता रहा, जाता रहा और उसके बाद काफी देर तक रजिस्ट्री होती रही, उन सारे दौरान ये शख्स वहां मौजूद रहा, लेकिन पुलिस को ये भनक तक नहीं लगी कि ये शख्स वही है जिसको भगौड़ा घोषित किया गया है, या यूं कहूं जो फरार है अयोध्या की कोर्ट से। अयोध्या सीजीएम फर्स्ट के यहाँ से इसका मुकदमा चल रहा है। इसका लड़का बाराबंकी में पिछले महीने इसी साल जेल भी जा चुका है, लेकिन इतनी बड़ी धोखाधड़ी जहाँ करोड़ों रुपए इसने लोगों के लूट लिए, अगर मैं शुभ्रा इसकी बारे में बताऊं तो ये कंपनी चलाता था, साकेत गोट फार्मिंग नाम की कंपनी थी और लोग इसके कंपनी में निवेश करते थे और उसके बाद इस पैसे को डबल करने का ये झांसा देता था, लेकिन जब लोगों की मैच्योरिटी हुई पैसे की तो ये शख्स अपनी कंपनी बंद करके फरार हो गया। तब से आज तक ये शख्स फरार है। इसकी तमाम जो इसके जो कारनामे थे वो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इसका रिकॉर्ड खराब था और इस तरह के एलिगेशंस इसके ऊपर हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण लैंड डील में इसे शामिल क्यों किया गया? बहुत शुक्रिया आपका अबुल फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच दर्शकों, आपको हम ये भी बताते हैं कि लैंड डील को लेकर विवाद तीखा होता जा रहा है। राम मंदिर मामले में पक्षकार रहे निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, सुन लीजिए। मंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण को सीबीआई या सीआईडी जांच करा करके कहां से पैसा निकल के किसके खाता में गया, उसके बाद में उससे उसके द्वारा किसके किसके में खाता में गया, यह इसको जांच हो। और यहां पर जो दस्तखत करने वाले लोग हैं इनके संपत्ति के भी जांच हो। और इस बीच अयोध्या लैंड डील की वजह से यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और उधर बीजेपी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। संकेत यही है कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन में बदलाव किया जा सकता है। इस महीने में दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यूपी दौरे पर जाने वाले हैं। वो 21 और 22 जून को 2 दिन के दौरे पर लखनऊ जाएंगे। इससे पहले वो 31 मई से 2 जून तक यूपी के दौरे पर रहे। खबर ये मिल रही है कि उन्होंने राज्य के दौरे की रिपोर्ट भी पार्टी आलाकमान को दी थी। यूपी में चुनाव की तैयारियों को बीजेपी में बदलाव की चर्चा उनके दौरे के बाद से ही शुरू हो गई थी। अब बीएल संतोष का फिर से दौरा होने वाला है। चर्चा यह है कि इसके बाद कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल को अचानक दिल्ली बुलाया गया। दोनों नेता हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में किस मामले पर बातचीत हुई ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि यूपी में सियासी सरगर्मी तेज है विधानसभा चुनाव से पहले। और आइए अब अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी की बात तो हमने कर ली, अब कांग्रेस के भीतर क्या घमासान मचा हुआ है इस पर भी बात करनी जरूरी है। पंजाब में पार्टी की कलह रोकने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। पंजाब में प्रताप बाजवा और कैप्टन अमरिंदर में तनातनी का रिश्ता रहा है। अब जबकि सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, प्रताप सिंह बाजवा ने भी अमरिंदर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। खबर यह है कि 2 दिन पहले कैप्टन खुद मुलाकात के लिए और सुलह के लिए बाजवा के घर पहुंचे थे, हालांकि बाजवा इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, कुछ बदलाव की बात की है और सीएम से वादे पूरे करने की मांग भी की है। दिलचस्प बात यह भी है कि बाजवा सिद्धू के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनमें अनुभव की कमी का हवाला दे रहे हैं। बाजवा ने साफ कहा है कि उन नेताओं को सही जगह मिलनी चाहिए जो वरिष्ठ हैं और काबिल हैं। बाजवा के स्टैंड से संकेत मिल रहा है कि वो खुद पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। इशारों में बाजवा ने पार्टी आलाकमान को ये मैसेज दिया है। कांग्रेस में आ रहे तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप जो है पंजाब की, वो रुकावट भी डाल रही थी और चाहती थी वो ना है।
उस टाइम भी साहब प्रगट सिंह जो हमारे एमएलए हैं, हमारे साथी हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने तब भी इंटरवीन किया और मैंने तब इनकी सिफारिश की थी कि ये एक असेट रहेंगे पार्टी के लिए आप जरूर, और मैं मशकूर हूं पार्टी हाईकमांड ने मेरा भी मशवरा माना और सर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल किया। वो मेरे भाइयों की तरह अच्छे बुला रहे हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं। मैं 100% चाहूंगा और पार्टी हाईकमांड भी चाहेगी और कांग्रेस के वर्कर भी चाहते हैं, उनको एक अहम रोल जरूर पंजाब में। तीन इंग्रेडिएंट जरूरी है, नंबर वन होता है लॉयल्टी, नंबर टू होती है सीनियोरिटी, नंबर तीसरी है कैपेबिलिटी। ये तीनों चीज जिसमें है उनको मौका दीजिए और इकट्ठे होकर सभी को चलना होगा। कोई कर्नल ओवरनाइट जनरल नहीं बन सकता, आप इतनी बात समझे। बहुत काबिल कोई कर्नल भी होगा, उसको जनरल बनने के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। तो इस निरा मैं ही नहीं, साढ़े मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हां दी कबीना दे मिनिस्टर्स, बहुत सारे साढ़े प्रेजेंट सिटिंग एमएलएस, ते साडा जिहड़ा वास्ट कांग्रेस का काडर है, पिंडो पिंड बैठा, शहरों शहर कस्बे च बैठा, वह महसूस करता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़े वादे कीते ने, स्पेशली वह वादे जिहड़े गुरुआं नाल होए वादे, उन्हां नूं असीं जल्दी दे विच पूरा करांगे। उधर कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच पोस्टर वॉर जारी है। हालांकि खबर यह है कि तीन सदस्यों की रिपोर्ट में सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने की सिफारिश की गई है। खबर यह भी है कि सिद्धू को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कांग्रेस क्या रास्ता निकालेगी यह अभी साफ नहीं है, लेकिन अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के दरमियान तनातनी खुलकर सामने आ रही है, जहां सीएम के पोस्टर के जवाब में सिद्धू समर्थकों ने होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए, जिस पर लिखा गया कि सारा पंजाब सिद्धू के साथ है। इसके बाद प्रशासन ने होर्डिंग्स को हटाना शुरू किया। पंजाब के कई शहरों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में ऐसे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि पंजाब का एक ही कैप्टन अमरिंदर सिंह। सिद्धू के पोस्टर की जगह कैप्टन अमरिंदर के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस की कलह कैसे खत्म होगी ये कह पाना मुश्किल है। हम सीधा न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की संतर कलह पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। रजत, बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस में, पोस्टर वॉर भी चल रहा है, लेकिन खैर वो तो एक संकेतात्मक चीज होती है कि किसका पोस्टर लगा हुआ है, और नेता हमेशा चाहते हैं कि दूसरे पोस्टर्स को हटा करके हम नजर में आ जाएं। लेकिन पंजाब में जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, वो इससे आगे की बात है, और खासतौर से प्रताप सिंह बाजवा ने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने न सिर्फ स्पष्ट रूप से अमरिंदर सिंह का साथ देने की कोशिश की है, बल्कि सिद्धू के बारे में भी कई तरह की बातें की है और उनके साथ भी खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि बीच का रास्ता लेने की प्रताप सिंह बाजवा अगर कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह समझा जाए कि आलाकमान का भी यही स्टैंड है? देखिए, जो लड़ाई चल रही थी और जो एडवांटेज था, वो एडवांटेज सिद्धू था। अब तक हम जो भी खबरें देख रहे थे, जो भी बयानबाजी देख रहे थे, वो कैप्टन वर्सेस सिद्धू चल रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिद्धू ही कैप्टन से नाराज हैं, सिद्धू बाहर बैठे हुए हैं, आलाकमान सिद्धू से बात कर रही है। प्रताप सिंह बाजवा भी पंजाब में एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, जो पिछली बार का चुनाव था, उस चुनाव के पहले अध्यक्ष थे राहुल गांधी ने प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब की कमान सौंपी थी, और प्रताप सिंह बाजवा ने ही कैप्टन को आगे करा था कि बिना चेहरे के हम चुनाव नहीं जीत सकते, पहली बात। अब प्रताप सिंह बाजवा को लग रहा था कि प्रताप सिंह बाजवा फ्रे से बाहर है और सिद्धू वर्सेस कैप्टन हो रहा है। आज वो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जो साफ संकेत दे रहे थे कि सिद्धू कांग्रेसी नहीं है। सिद्धू बाहर से आए हैं, बीजेपी में थे, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस में है, 40 साल से कांग्रेस में है, पूरी तीन पीढ़ियों से कांग्रेस में है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अध्यक्ष रहे हैं, और इस वक्त कांग्रेस के ही कोटे से राज्यसभा है। यानी संकेत यह था कि यह सिर्फ सिद्धू की लड़ाई नहीं है, प्रताप सिंह बाजवा की लड़ाई है, पहला। दूसरा, सिद्धू बाहर से आए हैं, एकोमोडेट करिए, जरूरत है, जो उनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा को लगता है कि उनका भी हक मारा गया है, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यानी आज एक लाइन बहुत क्लियर हो गई कि सिद्धू के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा भी है जो उस कैंप में है शुरुआती दौर से, जो कैप्टन से नाराज है, और अब आला कमान को, यानी अब दिल्ली दरबार को ही समझना पड़ेगा
कि सिद्धू ही नहीं है, प्रताप सिंह बाजवा भी कांग्रेसी हैं, उनको भी आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा। आलाकमान को खासकर राजस्थान में भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा, न सिर्फ पंजाब में, इसलिए राजस्थान की बात करनी भी जरूरी है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, राकेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। वहां पर सियासी घमासान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बयान आया है। माकन ने कहा है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से बात की है। माकन के इस बयान के बाद वो अटकलें खारिज हो गई हैं, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली प्रवास के दौरान नाराज पायलट से किसी बड़े नेता ने बात नहीं की। इस बीच पायलट खेमा अजय माकन के बयान के बाद खुश हैं। सचिन पायलट के करीबी वेद प्रकाश सोलंकी ने आलाकमान पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सचिन पायलट दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटे हैं। तो ये हो रहा है राजस्थान में। फिर से एक बार हम रजत राकेश टंडन का रुख कर लेते हैं। रजत, राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और वहां पर भी यही मसला है कि आलाकमान समझ नहीं पा रहा है वो बातें जो उसे काफी पहले समझ जानी चाहिए थी। और इसीलिए अशोक गहलोत तो कह चुके हैं कि भाई कोरोना की वजह से मैं मीटिंग्स नहीं करूंगा, वर्चुअल मीटिंग्स करूंगा, लेकिन सचिन पायलट की क्या आलाकमान सुनेंगे? और आज जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आए हैं, क्या किसी तरह का बदलाव कांग्रेस हाईकमान के एटीट्यूड में लग रहा है, जो कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हर जगह दिखाई दे रहा है और इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है? देखिये शुभ्रा, जो मेरी जानकारी है ये बहुत क्लियर है कि आप राजस्थान की पॉलिटिक्स में सचिन पायलट की फिलहाल कोई एंट्री नहीं होने वाली है। ना तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना ही वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल रूल्ड आउट है। राजनीति में चेंजेस होते हैं लेकिन आज की तारीख तक ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट क्या चाहते हैं? सचिन पायलट चाहते हैं कि जो 7 लोग उनके कोटे से थे, जिनको मंत्री पद से हटाया गया था, उनको वापस रिएप्टेट कर दिया जाए। 5 नामों पर सहमति बन गई है। सचिन पायलट को दिल्ली में AICC में ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी का पदभार दिया जाए, इस पर बातचीत चल रही है। अशोक गहलोत भी मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं शुभ्रा, उन्होंने जो ये 2 महीने का फैक्टर खोला है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साथ ही साथ आज अजय माकन ने दिल्ली में बयान दिया है कि जो भी है आलाकमान राजस्थान पर नजर बनाए हुआ है, सचिन पायलट एसेट है। लेकिन साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी राजस्थान अजय माकन ने यह भी जोड़ा है कि अनुशासन को भी अहमियत दी जाएगी। यानी क्लियर संदेश है कि जो विधायक सचिन गुट के सुबह शाम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बयानबाजी दे रहे हैं, वो उस रडार में है जिस पर आलाकमान की नजर है। अजय माकन ने साफ कहा है कि डिसिप्लिन पहले आती है, ठीक है, बाद में कोटा आता है। ठीक है, शुक्रिया आपका रजत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है वो हमने समझ लिया। बीजेपी को भी कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग राज्यों में। बिहार की हम बात करते हैं, वहां पर एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर खूब घमासान मचा हुआ है चाचा और भतीजे में। जी हाँ, चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जे की लड़ाई लगातार तेज है। पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चिराग पासवान ने अपनी बात कहने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया, तो पारस ने भी अपनी वकील के जरिए चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रख दिया। LJP पर पशुपति पारस का अधिकार होगा या चिराग पासवान का, इस पर फैसला चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन इस बीच पशुपति पारस के आवास पर लगे नए पोस्टर पार्टी की बदली हुई सूरत बयान कर रहे हैं। एक दिन पहले पटना में पारस को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, उसके बाद दिल्ली में उनके नाम के पोस्टर लगते देर नहीं लगी। पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर अब इस तरीके के नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बधाइयां दी जा रही हैं। तमाम लोगों का चेहरा आप देख सकते हैं, मनोज शर्मा महासचिव दिल्ली प्रदेश लोजपा का एक तरफ चेहरा है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक और पोस्टर लगाया गया है जहां पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी गई है। हालांकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ही नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुला सकता है और चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुल मिला के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में 92 मेंबर हैं, जिसमें से 9 रेबेल लोग हैं जो उनके साथ नहीं खड़े हैं, बाकी सभी के सभी चिराग पासवान का कहना है कि वो उनके साथ हैं। 5 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाकर वो तमाम बातों को रखेंगे।
एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई का पहला दौर पूरी तरह से पारस के पक्ष में गया है। लोकसभा स्पीकर ने उनको सदन में पार्टी का नेता मान लिया, इसके बाद बागी सांसदों ने उनको अध्यक्ष चुन लिया, लेकिन चिराग पासवान की दावेदारी अपनी जगह है। अब वो चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ही नहीं, इसलिए उनको कोई बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के द्वारा सदन का नेता का नोटिफिकेशन पशुपति कुमार पारस जी के नाम से हुआ, दिवत वहाँ चुनाव हुआ, नामांकन हुआ, नामांकन में फिर उसका स्क्रूटनी हुआ, 11 से 3 बजे तक नामांकन था, 3 से 4 स्क्रूटनी था, दूसरा कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं किए, अंत में रिटर्निंग अफसर ने निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझको सर्टिफिकेट दिया। लोजपा में निश्चित रूप से जो हम लोगों का गुट है उसमें कोई असंतोष नहीं है। पार्टी में दो फाड़ है, इसीलिए दोनों गुटों ने अपना दावा मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है। पशुपति पारस ने एलजेपी अध्यक्ष के चुनाव की जानकारी चुनाव आयोग को दी और अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रख दिया है। वहीं चिराग पासवान भी अपनी बात रखने चुनाव आयोग पहुंचे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने उन्होंने जिस तरीके से फैसला दिया था, ये हमारी चिंता थी, तभी हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष आए ताकि हम लोग का पक्ष जरूर सुना जाए कोई भी निर्णय कोई भी फैसला लेने से पहले। चलिए वहां खबर जहां में यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।